हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज़ जीरो टू इन्फिनिटी इस सीरीज़ में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं मैथमेटिक्स में वो हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट कौ, ज्योमेट्री और आज करने वाले हम सेक्शन फार्मूला ये कॉर्नेट ज्योमेट्री का लेक्चर टू है लेक्चर वन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है तो वहाँ पर जाके आप लेक्चर वन का लिंक खोल के फर्स्ट लेक्चर का वीडियो देख सकते हैं जिससे कि आपको ये वीडियो समझने में और भी आसानी होगी तो आज हम करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला अगर कोई भी दो पॉइंट हमारा एक्स और वाई हमने देखा था कि अगर कोई भी दो पॉइंट है अगर ये हमारा एक्स वन वाई वन है और ये हमारा x2 y2 है तो हमने देखा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू डिस्टेंस को हम लोग कैसे लिखे थे सपोज दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q सो डिस्टेंस पी क्यू इज अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू स्क्वायर हमने इसका डेरिवेशन देखा था आज जो हम करने वाले हैं और जो डिस्टेंस फार्मूला में जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया था वो हम लोगों ने किया था बाई द यूजिंग पाइथागोरस थियोरम मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है तो हम लोगों ने ये सब चीज़ प्रीवियस क्लास में सीख लिया था आज हम करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला और सेक्शन फार्मूला में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट सपोज़ ये हमारा लाइन पी है सपोज दिस इज पॉइंट पी डेट इज एक्स वन वाई वन एंड सपोज दिस इज पॉइंट क्यू डेट इज़ एक्स टू वाई टू दो पॉइंट है और इस दोनों पॉइंट से बने लाइन सेगमेंट को कोई तीसरा पॉइंट डिवाइड करता है सपोज दिस इज़ पॉइंट एम राइट right? और ये जो डिवाइड करता है वो एम इज टू एन रेशियो में करता है तो इस पॉइंट एम का जो कॉर्नेट होगा सपोज दिस इज एक्स और वाई होगा और एक्स वाई को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला सो एक्स कॉर्नेट इज गिवेन वाई ध्यान से देखेंगे एम इंटू एक्स टू सो वी कैन राइट एम इंटू एक्स टू प्लस ओके एन इंटू एक्स वन तो ये हमारा एन के साथ एक्स वन मल्टीप्लाई होगा सो एन इंटू एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन और सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट को हम देखेंगे स्विम किया जाएगा एम वाई टू प्लस एन एक् एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे दिस इज इंटरनली डिवाइडेड क्या होगा ये इंटरनली डिवाइड हो रहा है इंटरनली डिवीज़न है ये इसका मतलब क्या है इसका मतलब है जो डिवाइड डिवीज़न वाला पॉइंट है एम वो पॉइंट पी और क्यू के बीच में है और यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं कि पी एम ओवर एम क्यू ये है हमारा एक्म ओवर n तो ये सिनॉप्सिस uh, है मतलब फॉर्मूला है जो कि आज हम करने वाले हैं इसका डेरिवेशन आज हम इस चीज़ को देखेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा एक हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना होगा तो ये हम यहाँ पे रूलर ले लेते हैं एक सो दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस सपोज एंड इसके बाद हमें वाई uh, एक्सिस को ड्रॉ करना होगा सो वाई एक्सिस के लिए हम लोग रूलर को टर्न करेंगे ओके सो वी हैव हेयर दिस इज़ डिग्री सो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया ओके okay. अब हम क्या करते हैं कि कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं ओके okay. सो so, वो पॉइंट क्या होगा हमारा पी वन और क्यू वन होगा जो कि एक लाइन सेगमेंट को डिनोट uh, uh, करेगा सो सपोज दिस लाइन इज यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं सो so, ये हमारा हो गया एक लाइन सेगमेंट ओके तो इस लाइन सेगमेंट के एक पॉइंट को हम मान लेते हैं सपोज दिस इज पी डेट इज़ एक्स वन वाई वन एंड दिस इज़ क्यू एक्स टू वाई टू और इस लाइन सेगमेंट के बीच में एक पॉइंट हम इज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारा एम ओके okay? जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है जो कि हमें फाइंड करना है और यहाँ पे गिवन है कि पी एम ओवर एम क्यू इज इक्वल टू एम इज टू एन मतलब इंटरनली डिवीज़न है राइट सो द रेशियो पी एम कैन बी रिटेन एज एम इज टू एन सो वी कैन राइट हियर एम इज टू एन तो यहाँ पे हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है क्या चीज कोऑर्डिनेट एक्स और वाई का किसके टर्म में एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एम एंड एन के टर्म में तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन करेंगे P से पैरल टू Y एक्सिस डेट इज़ परपेंडिकुलर टू X एक्सिस हमने एक पॉइंट ड्रा एक लाइन ड्रा किया सो सपोज दिस इज़ पी सी एम से भी हमने ड्रा किया सेम चीज़ मतलब परपेंडिकुलर लाइन टू द X एक्सिस और हम लोग कह सकते हैं कि पैरल टू द Y एक्सिस और इसे हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज सी uh, और ये हमारा डी हो गया और क्यू से अगेन हमने ड्रॉ किया पैरल टू द वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस और सपोज दिस पॉइंट इज ई e, ये हमारा ई e हो गया ओके नाउ यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने अगेन कि uh, जो पॉइंट है हमारा P P से पैरल टू द एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस हमने लाइन ड्रॉ किया सो सपोज पी आर ये हम मान लेते हैं यहाँ पे जो पॉइंट कट करेगा सो दिस इज पी आर और अगेन यहाँ से एम से सेम चीज़ पैरल लाइन ड्रॉ किया और ये पी क्यू यू को मान लेते हैं कि ये एस पे कट किया ओके okay? so, सो इस कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि पी सी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस ओके पी सी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है सिमिलरली एम डी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाएगा और क्यू ई ये भी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि ये तीनों लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है सो वी कैन से डैट पी सी इज पैरल टू एम डी एंड एम डी इज पैरल टू क्यू ई बींग परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड दिस इज पैरल टू वाई एक्सिस तो ये सारे लाइन पैरल हो जाएंगे सिमिलरली अगर हम बात करें पी आर का सो पी आर इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर पी आर टू परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस ओके ये वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा और एम एस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस इसका मतलब हो गया कि पी आर सी हीयर पी आर इज पैरल टू एम एस एंड एम एस इज पैरल टू एक्स एक्सिस डेट इज सी ई हम कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं पैरल टू एक्स एक्सिस तो ये लाइन हमारा पैरल हो गया इस चीज को ध्यान में रखेंगे अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग हम लोग के पास दो ट्राइंगल है कौन कौन सा ट्राइंगल है फर्स्ट ट्राइंगल है हमारे पास एम पी आर ट्राइंगल एम पी आर एंड सेकेंड ट्राइंगल है ट्राइंगल क्यू एम एस ये दो ट्राइंगल हैं अब इस दोनों ट्राइंगल में हम लोग सिमिलैरिटी की का टर्म ढूंढेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है सिमिलर क्यों है इस चीज़ को देखेंगे सो फर्स्ट कंडीशन आप देखिए कि एंगल एम एम पी आर एम पी आर दिस मस्ट बी इक्वल टू एंगल क्यू एम एस क्यू एम एस वाई यहाँ पे हम लिखते हैं वाई इसका रीज़न क्या है कि पी क्यू जो पी क्यू लाइन है वो एक ट्रांसवर्स लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन जो है दो पैरल लाइन को इंटरसेक्ट करता है डेट इज ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट इंटर सेक्ट पैरल लाइन पैरल लाइन्स डेट इज एम एस एंड पी आर क्योंकि जब भी कोई भी दो पैरल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो करस्पोंडिंग एंगल जो होगा सपोज दिस इज एंगल ठीठा एंड दिस इज एंगल ठीठा ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा सो दिस एंगल सपोज दिस इज ठीठा मान लेते कि ठीठा है तो ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो दोनों ट्रैंगल का एक एंगल बराबर हो गया सिमिलरली एंगल अगर हम बात करें एम आर पी एम आर पी दिस इज इक्वल टू एंगल क्यू एस एम क्यू एस एम और ये किसके बराबर होगा ये नाइन्टी डिग्री के बराबर होगा क्यों बराबर होगा क्योंकि एम आर पैरल टू एम आर जो है एम आर पैरल है वाई एक्सिस के राइट और यहाँ पे पी आर पैरल है एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे से कितना एंगल पे है रेक्टेंगुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री का हो हो गया ओके okay, सो so, दो ट्राइंगल में ट्राइंगल एम पी आर एंड ट्रायंगल एंगल क्यू एम एस में अगर हम बात करें दो एंगल बराबर हो गया और एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें क्या पता है कि अगर कोई भी दो ट्रैग कोई भी ट्रायंगल है उसका एंगल अगर हम सम करेंगे तो 180 होगा तो जो रिमेनिंग एंगल होगा दोनों का वो बराबर हो जाएगा सो वी कैन से डैट एंगल पी एम आर दिस इज इक्वल टू एंगल एम क्यू एस दिस इज क्यों बराबर होगा क्योंकि दोनों दो uh, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर हो गया जब ये दोनों ट्रायंगल का करस्पोंडिंग एंगल बराबर हो जाएगा तो हमारे पास निकल के आता है कि एंगल एम पी आर ट्राइंगल एम पी आर और दूसरा ट्रायंगल क्या था हमारा यहाँ पे एम क्यू एस सो एम क्यू एस ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया राइट right? क्योंकि तीन एंगल बराबर हो गया तो हमें पता है सिमिलरिटी का सिमिलरिटी का किसे एंगल 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 से कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर होगा तो वो सिमिलर हो जाएगा अब चूंकि सिमिलर हो जाएगा तो सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टीज है कि करस्पोंडिंग ध्यान से देखेंगे इस चीज को करस्पोंडिंग रेशियो ऑफ साइड मतलब साइड का जो करस्पोंडिंग रेशियो होगा वो क्या होगा आर इक्वल्स ओके तो ये इक्वल होगा तो करस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा तो अगर हम ट्राइंगल पी एम आर में बोलें तो परपेंडिकुलर एम आर परपेंडिकुलर क्यू एस ये दोनों का रेशियो बेस पी आर बेस एमएस ये रेशियो एंड हाइपोटेनस एम आर एंड हाइपोटेनस एम क्यू करस्पोंडिंगली बराबर होगा सो वी कैन राइट हियर P M R divided by Q S. So M R divided by Q S. That is perpendicular. See here M R. यहाँ से यहाँ तक M R divided by Q S. Perpendicular is equal to P R. P R is is equal to M S. So we can write here P R over M S. So P R over M S. ये हमारा बेस वाला हो गया और हाइपोटेनस का क्या हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस का है पी एम डिवाइड बाई एम क्यू पी एम डिवाइड बाई एम क्यू ये चीज़ हो गया तो करस्पोंडिंग रेशियो हमारा क्या हो गया साइड का रेशियो बराबर होगा अब हमें एम आर की वैल्यू चाहिए अब देखिए एम आर क्या है ये है मतलब ध्यान से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारा वाई है और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है दिस इज़ वाई वन तो एम आर कितना हो जाएगा हमारा एम हो जाएगा वाई माइनस वाई वन सो वी कैन राइट हेयर वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई क्यू एस क्यू एस को अगर हमें देखना है तो क्यू एस कहाँ से कहाँ तक है क्यू एस क्यू एस इज ये एम हो गया क्यू एस की अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए डेट इज ये हो जाएगा वाई टू टोटल वाई टू है ऊपर से क्यू से ई तक वाई टू है तो वाई टू माइनस वाई वन सो वी कैन राइट हेयर दिस इज वाई टू माइनस वाई वन क्यू एस के लिए आ गया ओके okay. अब हम चलते हैं पी आर के लिए अब देखिए पी आर क्या है यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है एक्स है और यहाँ से ओ से सी तक अगर हम ओरिजिन इसको मान लें तो ओ डी माइनस ओ सी तो ओ से सी तक हमारा एक्स वन है सो दिस इज एक्स एंड एक्स वन दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स वन तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो आएगा दैट इज एक्स माइनस एक्स वन सो वी कैन राइट हेयर पी आर इज एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई अगर हम देखें यहाँ पे एम एस सो एम एस इज यहाँ ओरिजिन से लेके अगर हम एम एस निकालना है तो एम एस क्या हो जाएगा ओ एस डेट इज ओ सो ये वाला पार्ट हो जाएगा बेसिकली यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट एम एस हो जाएगा डी ई के बराबर हो जाएगा तो एम एस क्या हो जाएगा वाई टू माइनस वाई सो वी कैन राइट वी कैन राइट दिस इज एक्स टू यहाँ से यहाँ तक एक्स टू माइनस एक्स वन ओके सो एक्स टू माइनस एक्स नॉट एक्स वन क्योंकि हमें एम एस निकालना तो एक्स टू माइनस एक्स सो वी कैन राइट हेयरस एक्स टू माइनस एक्स ओके सो अच्छा एक चीज यहां पर देखिये वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई हमें क्या निकालना था क्यू एस क्यू एस यहां पर क्या आएगा क्यू एस इज वाई टू माइनस कॉर्डनेट ये वाई है सो so, यहां पर वाई होगा वाई वन नहीं होगा सो so, इसको करेक्ट कर लेते हैं ये दिस इज वाई होगा यहाँ पे इरेज कर देते हैं इसको क्लियर हो जाएगा आपका सो दिस इज वाई वन अब यह हमारे पास ये चीज आ गया अब हमारे कर, हमें क्या करना है पी एम पी एम क्या है हमारा सो पी एम इज हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल पी एम आर और इसकी वैल्यू एम है सो वी कैन राइट हियर कलर चेंज कर देता हूं एम ओवर एन तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया ये सेकेंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया अब हमें रेशियो को यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है सो so, यहां पे देख लेते फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड करते हैं पहले ओके okay, तो फर्स्ट क्या है वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू एम ओवर एन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं हम तो क्या लिखेंगे एन इंटू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू वाई टू माइनस वाई अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे एन इंटू वाई माइनस एन इंटू वाई वन इज़ इक्वल टू एम इंटू वाई टू माइनस एम इंटू वाई अब एम वाई को राइट right हैंड में ट्रांसपोज कर लेंगे सो एम वाई प्लस प्लस एन वाई दिस इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा हमारा एन वाई वन अब यहाँ पे हमारा y कॉमन है सो वी कैन टेक y एज ए कॉमन सो y इं टू एम प्लस एन दिस इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई वन और ये जो एम प्लस एन है डिवाइड में चला जाएगा सो so, फाइनली हम लोग रेड से लिख लेते हैं इसे सो so, वाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन तो ये हमारा वाई का कोऑर्डिनेट आ गया अगर हम इसी तरह रेशियो सेकेंड एंड थर्ड को बराबर करेंगे इसी स्लाइड में कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए देखने में सो देखिए एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई अगर बराबर करेंगे एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू एम ओवर एन यहीं पे थोड़ा सा स्पेस बचा के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं एन इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स टू माइनस एक्स ओपन कर लेते हैं आप ओपन करेंगे तो एन एक्स माइनस एन एक्स वन दिस इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एम एक्स ट्रांसपोज करेंगे तो एम एक्स लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा तो हम यहाँ पे एक्स कॉमन ले सकते हैं सो एक्स इंटू एम प्लस एन दिस इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन और फिर हम डिवाइड में ले जाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट सो वी हैव एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाय एम प्लस एन तो ये हमारा दो पार्ट आ गया एक्स वाला पार्ट ये आ गया और वाई वाला कोऑर्डिनेट वाला पार्ट ये आ गया तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डेरिवेशन कर लिया अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आया हो समझने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अगर आपको ये लेक्चर सही लग रहा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ओके okay, सो so ये हो गया हमारा सेक्शन uh, फार्मूला का पॉइंट फार्मूला का जब एम इज टू एंड शू में होगा तो एम इज एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन एंड वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन एक्स एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन अब दो तीन चीज बात दो तीन बातें हम यहाँ पे और भी क्लियर कर लेते हैं कि वेन केस फर्स्ट अगर हम केस फर्स्ट की बात करें सो वी कैन राइट हेयर केस फर्स्ट केस फर्स्ट क्या हो गया कि M इज इक्वल टू एन क्या मतलब है इसका M बराबर एन देखिए यहाँ ध्यान से हमने ये लाइन लिया था ये P था ये Q था और यहाँ पे मान लेते पॉइंट कैपिटल M था एम बराबर एन है तो ये जो एम और ये एन अगर दोनों बराबर हो तो एम इन एम मतलब ये दोनों बराबर हो इसका मतलब क्या है एम क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा मिड पॉइंट मतलब जो बीच जो कैपिटल एम होगा वो पी क्यू को ठीक इक्वल भाग में डिवाइड करेगा तो एम बराबर अगर एन हम पुट करेंगे सो एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस ना एम एम के एन जगह हमें एक्स पुट करना होगा एम एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एम यहाँ से एम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास एक्स टू प्लस एक्स वन डिवाइड बाई टू एम एम प्लस एम टू एम एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू या एक्स टू प्लस एक्स वन कर लेवाइड बाई टू तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया सिमिलरली सेकेंड के लिए अगर हम वाई निकालना चाहें तो वाई इज अगेन वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू सो so, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया तो कभी भी अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे एम इज इक्वल टू एन कर लेंगे या फिर एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एबिस डिवाइड बाई टू एंड वाई के लिए सम ऑफ ऑर्डिनेट डिवाइड बाई टू हो जाएगा राइट और एक और केस आता है क्वेश्चन के टाइप में यहाँ केस नहीं है क्वेश्चन है क्वेश्चन के टाइप में आता है कि अगर हम बात करें कि P और Q दो पॉइंट हैं और एक कोई पॉइंट है M जो तो कभी कभी ये पूछता है कि P अगर एक्स वन वाई वन है Q अगर एक्स टू वाई टू है और M अगर x और y है ये गिवन होगा M भी गिवन होगा तो क्वेश्चन पूछता है कि किस रेशियो में M P और Q को डिवाइड करता है राइट किस रेशियो में तो इस केस में हम क्या करेंगे एम इज टू एन ना मान के हम कहेंगे कि के इज टू वन रेशियो में डिवाइड करता है जब के इज टू वन रेशियो में डिवाइड करेगा तो जो हमारा x का पॉइंट होगा सो so x इज इक्वल टू के इंटू एक्स टू ओके प्लस एक्स वन वन इंटू एक्स वन डेट इज वन डेट इज के प्लस वन हो जाएगा हमारा x की वैल्यू और y की वैल्यू के इंटू वाई टू प्लस वन इंटू वाई वन सो वाई वन डिवाइड बाई के प्लस वन हो जाएगा तो जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि किस रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड करता है तो हम वहाँ पे ज्यूम करेंगे कि k के टू वन के रेशियो में ये डिवाइड करता है तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन और इसी के साथ हमने देखा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है जब जो रेशियो है दोनों बराबर हो जाएगा डिवीजन का तो जो पॉइंट आएगा वो मिड पॉइंट आएगा और कभी कभी ये भी चीज़ पूछता है कि किस रेशियो में कोई भी पॉइंट डिवाइड करता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा के इज़ टू वन के रेशियो में हमें एज्यूम करना होगा कि जो गिवन पॉइंट है वो के इज़ टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक या दो क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉर्डनेट ऑफ ए पॉइंट आर फाइंड पॉइंट आर इसका कॉर्नेट फाइंड करना है विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट और पॉइंट है लाइन सेगमेंट सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट यहाँ पे ज्वाइनिंग द पॉइंट पॉइंट कौन कौन सा है पॉइंट है P माइनस टू थ्री एंड Q फोर सेवन इंटरनली इंटरनली डिवीजन है क्योंकि पॉइंट बीच में होगा इन द रेशियो इन द रेशियो फोर इज टू सेवन तो देखिए क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है पहले तो दो पॉइंट गिवेन है वन एंड पी एंड क्यू सो हमने पी को ड्रॉ किया और क्यू को ड्रॉ किया पी का कॉर्डनेट क्या हो गया माइनस टू एंड थ्री क्यू का कॉर्नेट क्या हो जाएगा हमारा फोर एंड क्यू का कॉर्नेट क्या हो जाएगा फोर एंड सेवन ठीक है फोर एंड सेवन इसके बीच में इंटरनली है इंटरनली का मतलब बीच में कोई पॉइंट मान लेते हैं एम है जो कि पी क्यू को लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो फोर इज़ टू सेवन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हमें एम का कॉर्डनेट सपोज एक्स और वाई ये फाइंड करना है सो so, बहुत ईजी है एक्स इज इक्वल टू देखिए फोर इंटू फोर इंटू एक्स टू डेट इज फोर प्लस एन डेट इज सेवन x1 एक्स वन सो सेवन इंटू माइनस टू सो सेवन इंटू माइनस टू ओके डिवाइड बाई एम प्लस एन डेट इज एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन डेट इज फोर प्लस सेवन तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस फोरटीन डिवाइड बाई अलेवन तो ये आ जाएगा हमारा टू ओवर एलेवन तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा आ गया टू ओवर अलेवन और वाई कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करना है तो सेम चीज एम वाई टू सो फोर इंटू वाई टू क्या हो जाएगा हमारा सेवन वाई के लिए देखिए ये ब्लू लाइन एक्स के लिए और रेड लाइन वाई के लिए फोर इंटू सेवन सो फोर इंटू सेवन प्लस सेवन इंटू थ्री सेवन इंटू थ्री सेवन इंटू थ्री डिवाइड बाई एम प्लस एन फोर प्लस सेवन तो ये हो जाएगा सात अट्ठाईस और ये हो जाएगा सत्य इक्कीस डिवाइड बाई अलेवन तो वाई का कोऑर्डिनेट फोर्टी नाइन ऐड करेंगे अट्ठाइस प्लस ट्वेंटी वन दैट इज फोर्टी नाइन डिवाइड बाई अलेवन सो एक्स कोऑर्डिनेट एंड y कॉर्नेट इज हो जाएगा हमारा कितना टू ओवर अलेवन एंड फोर्टी नाइन ओवर एलेवन तो इस तरह से हम लोग इंटरनली डिवीजन में डिवीजन फार्मूला को यूज़ करके हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं ओके तो ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि फाइंड किस रेशियो में किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ओके सो so, एक ले लेते हैं क्वेश्चन इसी में आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन है क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो इन विच find the ratio in which in which the point three minus P the point minus three and P divide the line segments divides the line segment okay joining the point joining the point minus five minus four and minus two three okay hence find the value of p और यहाँ पे हमें p की value भी find करनी hence find the value of p चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि हमें रेशियो फाइंड करना है इन विच पॉइंट गिवन है डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग तो दो पॉइंट हमारा मान लेते हैं कि जो गिवन है सपोज दिस इज पी एंड दिस इज क्यू इस पी क्यू का कोऑर्डिनेट गिवन है माइनस फोर माइनस फाइव माइनस फोर एंड क्यू का कोऑर्डिनेट गिवन है माइनस टू थ्री इसके बीच में कोई पॉइंट है मान लेते हैं एम जिसका कोऑर्डिनेट गिवेन है माइनस एंड पी और ये एम पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो अभी हमने बताया कि जब भी हमें फाइंड करना होगा कि किस रेशियो में डिवाइड कर तो हम रिज्यूम करेंगे के इज टू वन रेशियो में डिवाइड कर रहा है ओके सो रिज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है डिवीजन के इज टू वन के रेशियो में है तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है ओके सो so, आप यहां पे देखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट एम का क्या हो गया माइनस थ्री सो माइनस थ्री इज

सो माइनस थ्री के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू के माइनस फाइव अब हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो माइनस फाइव को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो प्लस फाइव माइनस थ्री माइनस टू के और माइनस थ्री के को राइट हैंड साइड में ले जाए लेके जाएंगे तो थ्री के हो जाएगा सो so, यहाँ पे के इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा टू सो रेशियो हमें फाइंड हो गया कि के का वैल्यू किस रेशियो में ये डिवाइड करेगा तो रेशियो टू इज टू वन के रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड करेगा और क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी अब हमें के की वैल्यू आ गई पी क्या है वाई कॉर्डनेट सो वी कैन राइट हियर पी इज इक्वल टू जैसे मैंने माइनस थ्री के लिए लिखा उसी तरह पी के लिए लिखेंगे के इंटू माइन के इंटू थ्री ब्लू लाइन ले लेते हैं वाई कॉर्डनेट के लिए आपको क्लियर हो जाएगा के इंटू थ्री इंटू वन इंटू माइनस फोर सो प्लस वन इंटू माइनस फोर डिवाइड बाई प्लस वन तो की की, पी की वैल्यू फाइंड करनी है सो के की वैल्यू हम लोगों ने निकाला टू यहाँ पे डाल देंगे थ्री प्लस थ्री माइनस फोर डिवाइड बाई टू के वैल्यू हमारा हमारे पास कितना टू है तो टू प्लस वन सो छ माइनस चार दो बटा तीन तो पी की वैल्यू हमारा आ गया दो बटा तीन सो पी इज इक्वल टू टू ओवर थ्री तो इस तरह से नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे हम लोगों ने क्या, क्या क्या किया आज तो हमने देखा कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है उसका फार्मूला का मीनिंग क्या है इंटरनली डिवीज़न का मीनिंग क्या है इसके बाद हमने कोऑर्डिनेट निकाला सेक्शन फार्मूला का एक्स और वाई इसके बाद हमने देखा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है जब रेशियो बराबर होगा तो जो पॉइंट आएगा वो मिड पॉइंट होगा और उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई पॉइंट डिवाइड करता है किसी लाइन सेगमेंट को तो किस रेशियो में मानना है उसे तो के एस टू वन के रेशियो में मानना है हमने दो क्वेश्चन को एलिस्टेशन किया वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया और देखा कि जो सेक्शन फार्मूला है वो किस तरह से यूज़ करते हैं हम लोग कॉर्नेट ज्योमेट्री में तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा राइट थैंक्स फॉर वॉचिंग नाइस डे जय हिंद